हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने संबोधन में सबसे पहले जो कार्यक्रम आज हुआ है उसको लेकर बातें कही। सीएम मनोहर लाल का उन्होंने साथ ही आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे बुजुर्ग हमारे लिए पेड़ पौधे छोड़कर गए, इसी तरह से हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा करना चाहिए। केवल यानी पूरी दुनिया में पर्यावरण की समस्या आ रही और जो बड़ी बड़ी मीटिंग आ रही, देश के जो मुखिया हैं वो जो मीटिंग करते हैं उसमें इसी बात की चर्चा होती है कि आने वाले टाइम में हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हमने सुधार नहीं किया तो ये दुनिया 50-60 साल से ज्यादा नहीं चलती, ज्यादा या 50-60 साल चलेगी। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनकी उम्र 50 साल है, उस टाइम पानी कैसा था जब तुम छोटे थे, उस टाइम हवा कैसी थी जब तुम छोटे थे, उस टाइम या धरती कैसी थी जब तुम छोटे थे। भाइयों, एक कट्टा खाद का डालना थे काम चल जाता, पानी हम नलके का पी लेते काम चल जाता, लेकिन आज ना तो पानी ठीक रहा और वैसे भी साथ में पताल में चला गया। आज पानी मिल भी नहीं रहा और जो है वो भी ठीक नहीं है। तो ये सारी जो समस्याएं रही, इनका एक ही कारण है कि हमने चिंता नहीं करी। जो हमारे बुजुर्ग थे जिस टाइम जंगल देख रहे थे, तो उस टाइम जंगलों के टाइम में भी स्थिति थी कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ काट देता तो लोग उसकी तरफ ऐसे देखा थे जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और ऐसी घटनाएं आपके ही गांव की होंगी कि किसी ने पिपल का पेड़ काट दिया और पंचायत हुई होगी गांव में और उस पर जुर्माना लगा होगा, ऐसा आपके जान लग रहा था। तो राजा ने अपना घोड़ा रोक लिया और घोड़ा रोक का उसके पास आया और उस बुजुर्ग ने लगा कहने के क्या कर रहे हैं आप। तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं आम का पेड़ लगा रहा। उसने कहा कि क्या आपको उम्मीद है कि इतने टाइम तक जियोगे, जब तक इस पर फल लगाएंगे तब तक जियोगे। बोले ना। बोले फिर क्यों लगा रहे। बोले मेरे से पहले मेरे बुजुर्गों ने पेड़ लगाया था, उस पेड़ के जो फल है वो मैंने खाए, आज मेरी ड्यूटी है या कि मैं भी पेड़ लगाएगा जाऊं ताकि आने वाली नस्ल ये फल खा सका। तो भाइयों, ऐसी ड्यूटी मारी सब की है कि जो जमीन जैसी मेरे बाप दादा ने मेरे से दी, जैसा पर्यावरण मेरे बुजुर्गों ने मेरे से दिया, वैसा पर्यावरण मैं छोड़कर जाऊं अपनी संतान के लिए। लेकिन आज इस प्रकार की कोई चिंता हमें दिखाई देती और उसके परिणाम जो है बहुत भयंकर है। पानी का लेवल, वाटर लेवल देख लो आपने कितना नीचे गया। माननीय मुख्यमंत्री जिस बात की चिंता कर रहे, और पिछली बार उन्होंने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत, अगर कोई भी किसान धान नहीं लगाएगा जहां पानी बहुत नीचा चला गया तो सरकार 7000 रुपए उससे देगी। लेकिन आपने देखा कि कुछ लोगों ने बड़ा भारी आंदोलन खड़ा कर दिया, रोज बयान लगे देन कि भाई मुख्यमंत्री।